आज तक पता था कि आपके बचपन के फेवरेट कार्टून को किस कंट्री ने बनाया है। आज हम ऐसे ही फेमस कार्टून और उनकी कंट्रीज के बारे में जानने वाले हैं, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 3, USA। इस देश में बने कार्टून्स की शुरुआत हम उस कार्टून से करते हैं जिसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि इसके सिर्फ मर्चेंडाइज से 2019 में निक ने 45,000 करोड़ रुपीस कमाए थे। अब इससे पहले आप यहाँ वहाँ अपना दिमाग दौड़ाने लगो, मैं आपको बता दूँ मैं स्पॉन्जबॉब की बात कर रही हूँ, जो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अंडर वाटर सिटी में खुराफात करता है। जो लिस्ट बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई है कि स्पॉन्जबॉब स्क्वेरपेंट्स को फिफ्थ लॉन्गेस्ट रनिंग अमेरिकन एनिमेटेड सीरीज का टाइटल तो दे ही दिया गया है। साथ ही नीक जिस पर ये टेलीकास्ट होता है उस चैनल पर भी स्पॉन्जबॉब के एडवेंचर को हाईएस्ट रेटेड सीरीज का टैग दिया हुआ है, क्योंकि इस फेमस सीरीज के 13 सीजन बने हैं जिसने 1999 से 2020 तक अपनी चिल्लर पार्टी वाली ऑडियंस को एंटरटेन करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। तभी तो इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए स्पॉन्जबॉब के मेकर्स ने इसके दो स्पिन ऑफ टेम्पोरल स्पॉन्जबॉब अंडर ईयर्स एंड द पेट्री स्टार शो बनाया था, जो 2021 में प्रीमियर हुए थे। और इंटरेस्टिंगली ये स्पिन ऑफ ने न सिर्फ मेकर्स की ही तरक्की करवाई बल्कि इसकी टेलीकास्टिंग अमेजन प्राइम पर होने से चैनल की सेल्स भी 65 टाइम्स ज्यादा हो गई। तभी तो स्पॉन्जबॉब स्क्वेरपेंट्स को 6 एनी अवार्ड्स, 8 गोल्डन रील अवार्ड्स, 4 एमी अवार्ड्स और 18 किड्स चॉइस अवार्ड्स मिले हैं। इस लिस्ट में दूसरा कार्टून बेंटेन है, जिसकी एलियन बनने वाली शक्तियों ने कार्टून नेटवर्क को भी शक्तियाँ दी थी और कुछ यूँ दी थी कि इस कार्टून की पॉपुलैरिटी की वजह से ये चैनल पर चलने वाला अब तक का सबसे लंबा फ्रेंचाइजी है, जिसने दुनिया भर में 45,000 करोड़ रुपीस अपने रिटेल सेल्स से कमाए, क्योंकि इसके 5 टेलीविजन सीरीज और 4 फिल्म 5 सालों के टाइम स्पेयर में टेलीकास्ट हुए थे, जो इतने ज्यादा पॉपुलर थे कि इन्हें 3 एमी अवार्ड तक मिल चुके हैं। और अपनी इसी तरक्कियों को और बढ़ाने के लिए कार्टून के मेकर्स मैन ऑफ द एक्शन स्टूडियो और कार्टून नेटवर्क स्टूडियोज मिलकर बेंटेन के लाइव एक्शन स्ट्रीमिंग, रोबोट सीरीज और स्पिन ऑफ सीरीज पर भी काम कर रहे हैं, ताकि एक बार फिर अपने सीरीज से वो ऑडियंस का दिल जीत सके। नंबर 2, जापान। अब लिस्ट में बारी आती है उस कार्टून की जिस कार्टून को शायद ही किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत होगी, क्योंकि वो तो अपने पॉकेट से तरह तरह के गैजेट्स निकालकर हमारे बचपन को रंगीन करता था। जी हाँ, ये वही डोरेमोन है जिसके आगे कॉन्सेप्ट को दुनिया में लाने का श्रेय जापान के फुजिको फुजियो को जाता है, जिन्होंने इस कार्टून को आज से 50 साल पहले 1973 में पहली बार टीवी पर लाया था, जिसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि 1979 और 2005 के बीच इसके दो और वर्जन निकले। यही नहीं बल्कि 70 से लेकर आज तक डोरेमोन के 43 फिल्म्स बन चुकी है, जिन फिल्मों से 2020 तक उसने करीब 12,000 करोड़ का बिजनेस किया है। और करेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि डोरेमोन का पागलपन जापान के साथ ही दूसरे एशियन कंट्रीज और यूएस तक जो फैला हुआ है, जहां डोरेमोन के मेकर्स ने सिर्फ मर्चेंडाइज की बिक्री से ही 31,000 करोड़ की कमाई करके अपना नाम अब तक के हाईएस्ट ग्रोस मीडिया फ्रेंचाइजी में सुनहरे अक्षरों से लिखवाया है। नंबर 1, यूके। आपने बचपन में मम्मी पापा से कई राजा रानी की कहानियां सुनी होगी, ठीक ऐसे ही एक काल्पनिक कहानियों से थॉमस एंड फ्रेंड्स का जन्म हुआ था, जिसकी शुरुआत तब हुई जब यूके के रेवरेंड विल्बर्ट ऑड्री के बेटे क्रिस्टोफर ने अपने पापा से बेड टाइम स्टोरी कोलैबोरेट करने की मांग कर दी, जिसे पूरा करने के लिए ऑड्री ने 1945 में द रेलवे सीरीज नाम की एक किताब को जन्म दिया। और इसी किताब के पन्नों को एनिमेशन का टच 1984 में थॉमस द टैंक इंजन एंड फ्रेंड्स के रूप में मिला, जिसके लिए यूके के प्रोडक्शन ब्रिट ऑलक्रॉफ्ट ने ऑड्री को लगभग 50 लाख देकर इसके राइट्स खरीदे थे, जिसका सौदा इतना ज्यादा सफल हुआ सीरीज के पहले ही एपिसोड में थॉमस को 85 लाख लोगों की व्यूअरशिप मिली, जो ऑडियंस का नंबर और प्यार दोनों ही बढ़ बढ़ कर इतना बढ़ चुका है कि थॉमस आज दुनिया के लार्जेस्ट प्री स्कूल टॉय और टेलीविजन फ्रेंचाइजी में अपनी जगह बना चुका है, जिसके चलते उसकी साल भर की इनकम कुछ 7629 करोड़ हो चुकी है। हालांकि जिस थॉमस ने बच्चों को 585 एपिसोड तक एंटरटेन किया था, उसने 37 साल बाद 2021 में अपना आखिरी राइड लेते हुए और ऑडियंस को फाइनल वाला गुड बाय बोल दिया। अब यूके की कार्टून में अगले नंबर पर है वो जिन्होंने बिना डायलॉग के ही इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की थी कि उसे पूरे 52 देशों में टेलीकास्ट किया गया था। एकदम सही, मैं मिस्टर बीन द एनिमेटेड सीरीज की बात कर रही हूँ, जिसके रंगीन कैरेक्टर ने तो वैसे तो 1919 में टीवी पर एंट्री करी, किंतु 1995 में जब इन्होंने लोगों को अलविदा कहा तब उनके फैंस ये बात भाई नहीं, जिसके बाद मिस्टर बीन के कर्ता धर्ता खुद मिस्टर बीन और रोवन एटकिंस ने उसको एनिमेशन का तड़का देने का निर्णय किया, जिसके बाद 2002 में मिस्टर बीन ने फाइनली ब्रिटिश चैनल ITV1 पर 11 मिनट के एपिसोड के साथ
अपना कमबैक किया, जिसमें 2002 से 2004 तक कुल 52 एपिसोड्स में मिस्टर बीन, टेडी, मिसेस विकेट ने लोगों को अपनी कॉमेडी से खूब हंसाया। पर पब्लिक डिमांड की वजह से उसे 10 साल बाद 2015 में वापस रिवाइव किया गया, जिसमें नए 78 एपिसोड तो बने ही, साथ ही लोगों को इसमें चुचुक रहने वाले मिस्टर बीन की जगह डायलॉग्स बोलने वाले मिस्टर बीन से मिलने का मौका मिला। गाइस, आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।